नमस्कार, दरभंगा समाचार में आप सभी का स्वागत है। जिला परिषद सदस्य जमाल अथर रूमी की मौत सहित 5 अन्य मामलों को लेकर आज दरभंगा के सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हुआ। न्याज अहमद के नेतृत्व में इंसाफ मंच के सैकड़ों प्रदर्शनकारी आईजी कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। हालांकि कुछ लोगों के साथ न्याज अहमद को आईजी से मिलने की अनुमति मिली। यह है कि एक हफ्ता के अंदर में सारी रिपोर्ट हम एसएसपी से मांगे हैं और उसमें तमाम केसेस में कार्रवाई होगी। हम लोगों का 6 सूत्री रिमांड था, 6 सूत्री पर सकारात्मक बात हुई है। आईजी साहब उसमें तो सुपरविजन आ गया है, उसमें कार्रवाई के लिए पुलिस जाएंगे और कुछ का बाकी है जो एसएसपी से रिपोर्ट मांगे गए। एक सप्ताह का समय लिए। वो 6 सूत्री मांग क्या थी? ये है, आपको डीएमसीएच में जो घटना हुई थी जमाल अतहर रूनी की, जो डॉक्टरों के साजिश के द्वारा हत्या कर दी गई थी और पीड़ित परिवार पर जो झूठा मुकदमा लिया गया है, ये मामला था। इसके बाद और निगेटिव उसका रिपोर्ट आया था, लेकिन कोरोना जैसा जो ट्रीट होता है वो मुस्लिम रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार नहीं हुआ। ये घोड़ा आपत्तिजनक बात है जिसको हम लोगों ने उठाया है कि अगर कोरोना नहीं था, रिपोर्ट नेगेटिव था, तो हमको ये डेड बॉडी क्यों नहीं दिया गया कि जो हम उसका दाह संस्कार करते हैं। ये मुस्लिम रीति रिवाज के थ्रू ये नहीं हुआ है, ये घोड़ा आपत्तिजनक है, ये प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर ये सवाल हमने उठाया है। दूसरा उठाया है सिंहवाड़ा का नाजिम हत्याकांड, जो साजिश करता है उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मणिगाछी का रियाजुद्दीन, जो मुखिया पति की हत्या हुई है उसका जो साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पंचायत समिति कैसर की जो हत्या हुई है उसकी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तमाम जो हत्याएं जनप्रतिनिधि का हुआ है, जो बिहार मतलब दरभंगा में जो बढ़ते अपराध हैं, उन तमाम सवालों को हमने उठाया है। इस सवाल पर अगर आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा, इन तमाम केसों के जो वारिस हैं, जो केस के मतलब की लोग हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा अगर एक हफ्ता के अंदर में कार्रवाई अगर आईजी साहब नहीं करेंगे, तो ये पीड़ित परिवार की तरफ से आमरण अनशन पर आईजी के समक्ष लोग बैठेंगे। इंसाफ मंच, न्याज अहमद। सर आपका नाम? न्याज अहमद, इंसाफ मंच। एक चीज, एक बात और, 3 दिन के भीतर जो रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट आई क्या? ये रिपोर्ट तो फारस है, डीएम साहब फारस है। डीएम साहब का तो कुछ चलता उलता नहीं है डीएमसीएस के आगे। वो गंगा देवी वाला रिपोर्ट तो आया था, लेकिन गंगा देवी के रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो डीएम साहब जो रिपोर्ट बने, हमको तो लग रहा है कि दरभंगा के डीएमसीएच के जो डॉक्टर अराजक है, वो अराजकता पुलिस उससे डर रही है। अभी रूमी वाले प्रकरण में अनुसंधानकर्ता के तरफ से सीसी कैमरा का मांग किया गया था, ड्यूटी आवर में जो डॉक्टर हैं उनका मांग किया गया था। 1 महीना हो गया लेकिन आज तक नहीं दिया। पुलिस भी डॉक्टर से डर रही है और डॉक्टर का क्या हाल है, ये तमाम लोग जो मीडिया के लोग खड़े हैं या पब्लिक खड़ी है, डीएमसीएच का डॉक्टर उसको नहीं कहा जाए, उसको डकैत कहा जाए, जो लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं। आईजी के पास आज आप पिछले दिन देख रहे हैं कि जो मणिगाछी है राघोपुर, वो मुखिया जी जो प्रतिनिधि है उनका बहुत बेदर्दी से हत्या किया जाता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई है जिला प्रशासन नहीं करते। रियाजुद्दीन जी का हत्या हो जाता है, कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करते है। कैसर का हत्या हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। काजी का हत्या हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। या रूबी का हत्या हो गया, जो कहा कि कोरोना पेशेंट है, जो उसका परिजन को लाश तक नहीं सौंपा गया है, वो ऐसा मतलब उसको दलदल में धकेल दिया गया है, कोरोना पेशेंट है। ये नरेंद्र मोदी जी ऐसा जनता को उलझाए हुआ जाति के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे। मैं कहती हूँ अमित शाह को कोरोना हुआ है, तो अमित शाह मंदिर में जाकर इलाज कराने के लिए वो क्यों हॉस्पिटल गए? एकदम मंदिर में जाते। यहाँ आप गरीबों को ठगने का काम करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। अभी मेरे प्रशासन से एक भाई ने कहा है कि आप लोग थोड़ा संभल के बोलिए, चुनाव आ गया है। अरे चुनाव आ गया, किसके लिए चुनाव आप करिएगा? आम जनता, हम गरीब लोग वोट दे के आपको सत्ता में बिठाते हैं, आप सत्ता पे जाके मलाई खाते हैं और हमें भात रोटी पे भी आफत है, हमें कपड़े पे भी आफत है, हमें घर पे भी आफत है, हमें दवाई दारू पे भी आफत है, हमारे बाल बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अभी कह रहे हैं
अन्याय होगा। गरीब का बच्चा ऑनलाइन कहाँ से पढ़ेगा? अरे गरीब का बच्चा को तुम फोन दो तब वो ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, नहीं तो बड़े बड़े पूंजीपति का बच्चा जाएगा और हम वोट पे ठेला चलाएंगे मर जाएंगे, हम झाड़ू लगाएंगे मर जाएंगे, हम बर्तन धो